आज डिस्कस करेंगे हम लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला कन्वेक्स लेंस के लिए लेंस लेते हैं हम, ये प्रिंसिपल एक्सिस, टू स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स बी वन वाई एंड एक्स बी टू वाई सेपरेट टू मीडियम हैविंग रिफ्लेक्टेड एक्स म्यू टू एंड म्यू वन। ये जो म्यू टू है ये म्यू वन से ग्रेटर है, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन। ऑब्जेक्ट को पॉइंट पे लेते हैं, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग ओ ए, ए पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं ए सी वन, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल इंसिडेंट एंगल आई वन, ए पे रे से डेंसर में जाता है, ऐसे नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाता है और फाइनल इमेज बनाता है आई वन पे। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो म्यू टू इसके मल्टीप्लाई में आर वन और म्यू वन इसके मल्टीप्लाई में आर वन, ट्रायंगल ए ओ सी वन में ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा मान लिया, इमेज का बीटा वन, नॉर्मल का गामा वन, ए ओ सी वन इस एक्सिस में और इस एक्सिस में बार एंगल बना हुआ आई वन एक्सटर्नल एंगल और अंदर एक अल्फा है एक गामा वन, अल्फा प्लस गामा वन और ट्रायंगल ए आई वन सी वन में, ये देखो ए आई वन सी वन में इसमें बार एंगल बना हुआ गामा वन और अंदर अपोजिट एंगल है एक आर वन एक बीटा वन, आर वन प्लस बीटा वन यानी यहाँ से आर वन का मान निकालो तो गामा वन बीटा वन इस साइड में आगे माइनस का हो, तो ये बन गया आपका म्यू टू, ये आर वन इसकी जगह आ गया गामा वन माइनस बीटा वन और म्यू वन आई वन, आई वन की जगह आ गया गामा वन प्लस अल्फा। यहाँ इसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम ए एम वन, तो ये आ गया म्यू टू, म्यू टू गामा वन परपेंडिकुलर बाई बेस का परपेंडिकुलर ए एम वन बेस एम वन सी वन, ए एम वन सी वन माइनस बीटा वन, देखो ए एम वन आई वन, ए एम वन आई वन म्यू वन, इसी प्रकार से गामा वन ए एम वन सी वन, ए एम वन सी वन प्लस अल्फा ए एम वन वाई एम वन ओ, ए एम वन डिवाइड वाई एम वन ओ, ए एम वन से एम वन क्या हो जाएगा कैंसर म्यू टू, इसके डिवाइड में एम वन सी वन प्लस म्यू टू माइनस माइनस म्यू टू, इसके डिवाइड में एम वन आई वन म्यू वन, इसके डिवाइड में एम वन सी वन प्लस म्यू वन, इसके डिवाइड में एम वन ओ। आप क्या करें एम वन सी वन को एक साइड में ले लें, म्यू टू इसके डिवाइड में एम वन सी वन म्यू टू
m1 c1 ये प्लस का इसको इस साइड में फैले हो माइनस म्यू 1 m1 c1 इस साइड में क्या बच गया म्यू 1 इसके डिवाइड में m1 हो ये माइनस का इसमें प्राण ले जाएंगे प्लस म्यू 2 इसके डिवाइड में m1 आएगा ये m1 p1 के क्लोज है इसलिए हो जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 m1 की जगह लिखेंगे p1 p1 c1 ये बन जाएगा म्यू 1 m1 की जगह p1 o और म्यू 2 m1 की जगह p1 o i1 इसमें साइन करवाने से यूज करेंगे भाई क्या बन गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 देखो p1 पोल है c1 सेंटर है पोल से सेंटर की दूरी रेडियस r1 ये राइट में है तो प्लस का म्यू 1 p1 पोलर ओ ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में तो माइनस का म्यू 2 p1 i1 p1 पोल है i1 पे इमेज है राइट में है तो v1 प्लस का ये इक्वेशन आएगी आपकी फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन आएगी किस सरफेस पे रिफ्रैक्शन वाज ऑफ x p1 y पे म्यू 2 माइनस m1 डिवाइड में r1 m1 बाई माइनस u प्लस m2 बाई v1 क्लियर है ना अब देखोगे ये है बी पॉइंट ये ध्यान से देखना बी इस बी पे नॉर्मल ड्रा कर दिया मैंने बी सी टू ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल ये जो एंगल है ना ये I2 है और बी पॉइंट पे डेंसर से रेयर में जा रही है ऐसे तो नॉर्मल से दूर हट जाती है ऐसे और फाइनल इमेज बनाती है ये आई पे ये रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल ये R2 है फाइनल इमेज का एंगल मान लिया बीटा और ये C2 नॉर्मल का मान लिया एंगल गामा 2 अब बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे आप इस पॉइंट पर अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ बी पॉइंट पे देखो अप्लाई स्नेल्स लॉ पहले ए पे था किस पे बी पे तो क्या आएगा म्यू 1 बाय म्यू 1 बाय म्यू 2 साइन I2 बाय साइन R2 साइन ऑफ I2 साइन ऑफ R2 साइन I2 को I2 और साइन R2 को R2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रोस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो म्यू 1 के साथ जाएगा R2 और म्यू 2 के साथ जाएगा I2 ट्रायंगल बी C2 I1 देखो भी ये देखो ये बी C2 है और ये है बी I1 इसमें जो बाह्य कोण है ना ये बना हुआ है I2 और अंदर का एक एंगल है गामा 2 एक एंगल है बीटा 1 गामा 2 प्लस बीटा 1 और फिर ट्रायंगल जो बी सी 2 आई ये देखो ये बी सी 2 है ये बी आई है इसमें अपना एंगल है R2 अंदर का एंगल एक गामा 2 है एक बीटा है गामा 2 प्लस बीटा ये इसमें रख दो म्यू 1 R2 का मान गामा 2 प्लस बीटा और म्यू 2 ये जो I2 है ना इसका मान गामा 2 प्लस बीटा 1 आप क्या करेंगे यहाँ बी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बी एम तो ये आ गया भाई म्यू 1 गामा 2 गामा 2 ये है ना परपेंडिकुलर बी एम 2 बेस एम 2 सी 2 बी एम 2 डिवाइड में एम 2 सी 2 प्लस ये बीटा है बीटा ये बन गया परपेंडिकुलर बी एम 2 बाई एम 2 आई क्या बन गया बी एम 2 एम 2 आई इज इक्वल टू म्यू 2 गामा 2 फिर वही बी एम 2 बाई एम 2 सी 2 और बीटा 1 ये है बी एम 2 बाई एम 2 आई 1 बी एम 2 इसके डिवाइड में क्या जाएगा एम 2 आई 1 ये बी एम 2 से बी एम 2 क्या जाएगा कैंसर म्यू 1 के डिवाइड में एम 2 सी 2 प्लस म्यू 1 के डिवाइड में एम 2 आई म्यू 2 के डिवाइड में एम 2 सी 2 प्लस म्यू 2 के डिवाइड में एम 2 आई 1 अब ये देखो यहाँ पर है ये म्यू 2 इसके डिवाइड में एम 2 सी 2 ये प्लस का अपना ले जाएंगे माइनस का म्यू 1 इसके डिवाइड में एम 2 सी 2 इस साइड में बच गया म्यू 1
इसके डिवाइड में एम टू आई वन, ये प्लस का इस साइड में माइनस का म्यू टू, इसके डिवाइड में एम टू आई वन, लेकिन ये एम टू किसके क्लोज है पी टू के, तो इसलिए क्या बन जाएगा ये म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन, एम टू की जगह लिखेंगे एलसीएम आएगा एम टू सी टू दोनों का, तो ये बन जाएगा पी टू सी टू, इस साइड में म्यू वन, इस एम टू की जगह पी टू आई, पी टू आई और माइनस म्यू टू, इसके डिवाइड में आ जाएगा वही पी टू आई वन, साइन कन्वेंशन यूज कर लो, म्यू टू माइनस म्यू वन, देखो पी टू पोल है सी टू सेंटर, पोल से सेंटर रेडियल आर टू, लेकिन ये सेंटर के लेफ्ट में है तो माइनस म्यू टू, पी टू पोल है आई पे फाइनल इमेज भी म्यू टू, ये था आपका आई इसके साथ म्यू वन, ये म्यू वन, म्यू वन और ये म्यू टू, पी टू आई वन पोल से आई वन की दूरी वी वन, ये इक्वेशन आ गई आपकी दो और ये इक्वेशन आ गई वन, तो ये इक्वेशन वन और टू निकाल लेंगे। अब इक्वेशन वन और टू से देखो आगे आप क्या करेंगे, इक्वेशन वन और टू को ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, नेक्स्ट केस में ये जो इक्वेशन टू आई आपके पास ये इक्वेशन टू है और ये इक्वेशन वन, तो क्या करेंगे एडिंग इसको, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन म्यू टू माइनस म्यू वन, इसमें भी म्यू टू माइनस म्यू वन, इसमें भी तो म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आएगा, यहाँ से हो जाएगा वन बाई आर वन, यहाँ से माइनस का वन बाई आर, म्यू टू बाई वी वन माइनस का म्यू टू बाई वी वन प्लस का, ये कट जाएगा, ये म्यू वन बाई वी और ये माइनस का म्यू वन बाई यू, ठीक है ना, ये बस गया म्यू टू माइनस म्यू वन, इसके साथ वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, म्यू वन कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया वन बाई वी माइनस का वन बाई यू, ये गुना करे इस साइड में लिया, म्यू टू को ये म्यू वन डिवाइड करेगा, माइनस म्यू वन को ये म्यू वन डिवाइड करेगा, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये बस या वन बाई वी माइनस वन बाई यू, अब ये जो म्यू टू है इसने तो म्यू मान लो एयर का वन ओवर है, एयर का कितना हुआ है तो ये म्यू, इसका डिवाइड में वन, ये कट गया माइनस का वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, लेंस फॉर्मूला के अनुसार वन बाई वी माइनस वन बाई यू वन बाई एफ था, क्योंकि वन बाई वी माइनस वन बाई यू किसके बराबर होता है वन बाई एफ, तो इसलिए आपका रिजल्ट क्या बन गया वन बाई एफ इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बच गया म्यू को वन से डिवाइड करेंगे म्यू माइनस वन और साथ में क्या है वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये जो फॉर्मूला आपका ये आएगा लेंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसका प्रयोग लेंस को मेक करने में करते हैं, वन बाई आर म्यू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये मैंने इस साइड में लिख दिया, ये म्यू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस।